वेलकम गाइस, वीके मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, थोड़ी दिक्कत हो गई थी इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, और काफ़ी सारी कमेंट भी रुकी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये मोबाइल है, रेडमी का ये मेरे पास मोबाइल है, और इसमें दिक्कत क्या है आप सामने देख पा रहे होंगे। इसमें बिल्कुल स्क्रीन जो है कलर आ रही है इसमें, यानी कि जैसे फोल्डर ख़राब हो जाते हैं अपने, लेंस वगैरह टूट जाता है कुछ भी। लेकिन जिस कस्टमर का ये मोबाइल है वो बोल रहा था कि मेरा मोबाइल जो है वो सिर्फ पानी में गिरा हुआ है, मतलब कि हल्का सा वीडियो बनाते वक्त हल्का इसमें पानी चला गया था, यहाँ गिरा भी नहीं था ये, खाली इसके अंदर पानी चला गया था। तो मैं इसमें देख रहा हूँ, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, तो इसमें कंडीशन क्या है इसकी, एक बार हम इसको ओपन करके देख लेंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसका फोल्डर ख़त्म है, मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसमें देखेंगे, जैसे भी इसको अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जो भी हमारे चैनल पे नए है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए और उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और रही बात कमेंट की, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको शुरू में बोला, तो काफ़ी सारे कमेंट रुकी हुई है गाइज। तो जिस वीडियो मैंने एक बनाई थी उसमें कमेंट आ रही थी कि सर मेरा MI का मोबाइल था, मतलब कि कोई बहुत सारे मॉडल बता रहे थे कि सर ये दिक्कत है ये दिक्कत है। तो उन्हीं सभी का मैं जवाब दूंगा, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाया था, तो मैं आज कल में उसका जवाब आपको दे दूंगा। और एक कमेंट और आ रही थी कि सर आपकी शॉप कहाँ है, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा एड्रेस वगैरह मैं उसमें इसके या तो इसी लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में, इसे मैं बता दूंगा कहाँ पर है। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमने मोबाइल जो है अपना ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है किसी में अंदर ज़्यादा पानी वगैरह गया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसके जिक वगैरह सारी चीज़ हटा ली यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें लग नहीं रहा है कि इसमें कहीं अंदर पानी गया हुआ है, शायद या तो ये गिरा है, वो कस्टमर झूठ बोल रहा हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पानी गया हो, या फिर थोड़ा मतलब कि मॉइस्चर वगैरह रह गया हो, थोड़ा बहुत गया हो इसके अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं जो भी इसमें कंडीशन बनती है, तो इसको हम एक बार लगा करके एक बार इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे कि इसमें कभी फोल्डर का लेंस वगैरह तो नहीं टूट गया, क्योंकि तो बिल्कुल किनारे पर फोल्डर के आप सभी ने तो देखा ही होगा कि लेंस टूट जाता है। तो इसको हम ऑन कर रहे हैं, वीडियो की स्किप मत करिएगा प्लीज़, वीडियो को पूरी देखिएगा तभी यह समझ में आएगा कि आप करना कैसे। मैं आप स्किप कर देते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो सही नहीं। देखिए यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, यानी कि हमारा मोबाइल ये ठीक हो सकता है। सिर्फ बीच में लाइन आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए पहले इसमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा था क्योंकि मोबाइल ऑन था, लेकिन अब हमने दोबारा ऑन करा, इसकी अंदर से पिन वगैरह हटा करके पूरा पत्ता वत्ता हटा करके हमने चेक करा, तो यहाँ पर रेडमी MI शो हो रहा है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, देखिए ऑन हो चुका है, यहाँ पर टाइम डेट वगैरह सब चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, इसको एक बार हम इसको खोल लेते हैं, शायद हमें इसका फोल्डर उतारना पड़ेगा। तो कस्टमर को आप एक चीज़ का हमेशा याद रखें, जब आप ऐसे इसमें कुछ ऐसा आपके पास केस आता है तो इसमें सिचुएशन ये रहती है कि अगर आपका इसमें फोल्डर उतारना पड़ जाता है, जैसे कि अब हम उसका फोल्डर उतारेंगे और इसमें रिक्स रहता है, तो आप कस्टमर से बोल दीजिए, अगर आप मोबाइल के आपके अगर शॉप है दुकान है तो जो भी आपका अगर आप काम सिखाते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा यहाँ पे कुछ केस आता है तो आप उसको बोल दीजिए कि इसमें परसेंट एक कुछ ना कुछ जो भी है इसमें रिक्स रहेगा, चाहे 1% रहे चाहे 100% रहे, रिक्स रहेगा, एक बार बोल दीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इसका फोल्डर को उतार देते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ भी काम करो आप अच्छे से करो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दीजिए, ताकि वो बाद में ये ना कहे कि आपने ये कर दिया। तो यहाँ पर हमने मशीन ऑन कर लिया, यहाँ पर 82 डिग्री हमने यहाँ पर कर लिया इसका टेम्परेचर, क्योंकि अगर हमें देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर आपको फ्रेश फोल्डर ताड़ना है, कुछ भी काम करना है फ्रेश करना है बिल्कुल, तो आप 80 से 85 के आसपास टेम्परेचर रखिएगा मशीन का, तो अच्छे से आपका उतर जाएगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा हीट करने पर क्या होता है, वो हमारा ज़्यादा हीट हो जाता है और थोड़ा टूटने का डर रहता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने पर मतलब कि थोड़ा नरम हो जाता है वो, तो इसलिए टूटने का डर रहता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ग्लू रहती है ना वो अच्छे से पिघल जाती है और हमारा फोल्डर आराम से उतर जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पर हम फोल्डर को रख दिए हैं, और रखने के बाद अब हम इसमें थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि गर्म हो जाए, इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके हो जाने के बाद हम यहाँ पर फोल्डर को इसको आराम से मशीन के ऊपर से मोबाइल को उतार करके फोल्डर उतार लेंगे। देखिए इसमें नीचे की साइड के हमारे पेच रह गए थे, इसको हम साथ के साथ खोल लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड इसका पत्ता लगा हुआ होता है फोल्डर का,
क्योंकि ये रेडमी का दूसरा मॉडल है, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, पता नहीं कौन सा है ये। तो जौन सा भी आप देख रहे थे पूरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए, तभी आपकी समझ में आएगी कि वीडियो में था क्या। देखिए यहाँ पर हमने ये खोल लिया है, और यहाँ पर थोड़ा हमें डाउट लग रहा है कि नीचे की साइड थोड़ा पत्ते में पानी गया हुआ, यानी कि नीचे की साइड से ही जैक की तरफ से पानी इसमें गया है, थोड़ा लग रहा है। तो अभी ये गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसको बड़े आराम से डाल लें, क्योंकि फ़ोन का जो फोल्डर है ये थोड़ा नीचे से टूटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्रैक हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको सावधानी से उतार देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये बाहर आ चुका है शायद फोल्डर, हल्का सा में यहाँ लग रहा है फोल्डर बाहर आ चुका है, तो इसको हम धीरे धीरे उतार लेंगे, ये बार देख लेंगे हम। यहाँ पर लगता है हमें थोड़ी सी और गर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी यहाँ पर वाइट वगैरह दिख रहा है, क्योंकि अंदर हमारा ये मोटर वाइंडिंग पेपर जा नहीं रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ यूज़ करते हैं इसमें, आप कुछ भी ऐसी थोड़ी मतलब कि पतली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड हो ताकि ग्लू हमारी कट जाए। तो अभी हम थोड़ा सा और इसको गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मोबाइल अपना गर्म कर लिया, देखिए हमने ये फोल्डर उतारा, थोड़ी दिक्कत हो रही थी गाइस इसमें, तो हमने फोल्डर उतार दिया। देखिए हम आपको इसमें लगा करके दिखाएंगे एक बार, इसमें दिखा देते फोल्डर में क्या दिक्कत है। देखिए हमने फोल्डर इसका उतार लिया, देखिए यहाँ पर आप वाइट थोड़ा सा देख पा रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्चर इसमें गया हुआ, मतलब पानी गया हुआ है, यानी कि वीडियो बनाते वक्त इसमें पानी गया है कस्टमर का, शायद वो सही कह रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं, हम यहाँ पे इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने इसका पत्ती जो है यहाँ पर नीचे ये, इसको अच्छे से हम यहाँ कनेक्टर वगैरह यहाँ से थिनर की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से साफ़ करें, ध्यान रहे आपको यहाँ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना, क्योंकि लेंस वगैरह रहता है तो दिक्कत हो जाएगी। साफ़ करने के बाद आपको इसको लगा देना है। देखिए गाइज आप ये मत कहिएगा कि हमने दूसरा फोल्डर जो भी आप इसके सामने कराया हमने, और क्योंकि ये टूटा हुआ आपको पता ही है, देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप शुरू की वीडियो स्किप करके आप अच्छे से देख सकते हैं, वही फोल्डर है, सब चीज़ वही है। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, ध्यान है आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसका अगर लेंस टूट गया फोल्डर का तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वैसे हमने रिक्स का इसमें कस्टमर को बता दिया, रिक्स का फोल्डर भी आपका ख़राब हो सकता है, वैसे तो हमें ख़राब लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगर वो पानी में बोल रहा है तो शायद चल जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर जिक वगैरह इसकी सारी कनेक्टर वगैरह हमने लगा दिए, सिर्फ बैटरी के रह गए नीचे के लगा करने के बाद। ध्यान रहे बैटरी का आपको तब लगाना है जब आप सारे कनेक्टर लगा दें। अब यहाँ पर हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो गाइस देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अब कोई लाइन इसमें नहीं आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए थोड़ा ये हुआ, इसमें हल्की सी आई है, लेकिन लगता है हमारा फोल्डर चल जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ा लेंस ब्रेक है, कहीं ना कहीं दिक्कत है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन इससे हमें पता लगता है कि इसमें हमारा मोबाइल ठीक हो सकता है, मतलब फोल्डर हमारा चल जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कस्टमर को फोल्डर चला करके दे देंगे, ये कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर गया हुआ, तो उसको अच्छे से हम साफ़ करके और लगा देंगे। देखिए यहाँ पर अभी हो चुका है, देखते हैं थोड़ा और इंतज़ार करते हैं इसको पूरा ऑन होने में, एक बार हम उसको और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है शायद ऑन हो चुका है, तो गैस यहाँ पर मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि इसके अंदर अब कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब बिल्कुल ओके चल रहा है, प्रॉपर हमारे यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए यहाँ पर अब कोई ऐसी लाइन वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है, यानी कि जो हमारा मोबाइल ऑन होने के बाद अभी मतलब कि थोड़ा मॉइस्चर है हमारे फ़ोन में, अगर हम उसको और अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ये और भी अच्छे चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहाँ पर सब चीज़ ठीक दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर पूरा आ रहा है, बिल्कुल ओके चल गया। आप भी इसी तरह कर सकते हैं गाइज, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। कैसी लगे आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसी के फ़ोन में दिक्कत आती है तो सॉल्व हो जाए।